है, बस ग्रुप ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें आप पूरी क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं, ठीक है, पूरी क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं और उनसे कहते हैं कि अच्छा ये जो ग्रुप आप बांटते हैं ये दो तरह से होते हैं। ग्रुप तो एक ही तरह से होता है, चार 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 बच्चों का आपने ग्रुप बना दिया। अब जब आप इनको टॉपिक देंगे तो ये टॉपिक दो तरह से दे सकते हैं, एक ही टॉपिक सबको दे दिया, इसको हम कहते हैं कॉमन टॉपिक, ठीक है, कि भाई ये किताब निकालिए, इसमें ये टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है, छह बच्चे हैं आप, तो आपको इसको पढ़ना है, इसमें सवाल बनाना है, सवाल उठाना है, हर चीज आपको मैनेज करनी है। ये बोर्ड पे लिख दूंगा मैं क्या क्या, तीन सवाल बनाइए, तीन एमसीक्यूज बनाइए, तीन खाली जगह बनाइए, आप इसी सबक में आप भी बनाइए, आप भी बनाइए, आप भी बनाइए, आप भी बनाइए, चलें बनाए मैं बैठा इधर, ये हमने कहा, इसको हम कहते हैं बज ग्रुप। ये जो आप, ये लेक्चर भी नहीं है, सही है, ये डेमोंस्ट्रेशन भी नहीं है, ये डिस्कशन भी नहीं है, ये क्या है, ग्रुप को बिजी कर रहे हैं आप। ग्रुप क्या कर रहा है, किताब खुद खोल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब जहन लगा रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर सवाल बना रहे हैं, हमने इसके लिए उनको टाइम दिया 10 मिनट का या 20 मिनट का, उसके बाद हमने कहा चलिए आपका ग्रुप लीडर ये है, खड़े हो जाइए आप, और आपका ग्रुप लीडर ये है, खड़े हो जाइए आप, जी आपने जो सवाल बनाया जरा इनसे पूछिए, अब उसने जो सवाल बनाया वो पूछता उससे, समझ रहे हैं आप, अगर इनके सवाल का जवाब उसने दे दिया तो टीचर यहां लिखता है ग्रुप ए के कितने पॉइंट हो गए, ग्रुप बी के कितने पॉइंट हो गए, ग्रुप सी के कितने पॉइंट हो गए, ठीक है, नहीं दिया तो 0 पॉइंट और दे दिया तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट नंबर। चलिए जी अब आप खड़े हो, आप एमसीक्यूज इनसे पूछे, वो एमसीक्यूज पूछ रहा है उनसे, इज इट क्लियर। देखिए इसमें टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल सिर्फ लीडर का रोल है, फैसिलिटेटर का रोल है, टीचर नहीं है वो। अच्छा ये आप पहली में नहीं लगा सकते, ये मेथड आप लगाएंगे 7th में 8th में, जहां इस्लामियात है, उर्दू है, कुछ ऐसी चीजें जो आसानी से वो समझ सकते हैं खुद से, वहां आप ये मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक तो मैंने कहा कॉमन टॉपिक था जो हमने ग्रुप में डिवाइड किया, एक ये है कि एक ही चैप्टर को चार हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा एक ग्रुप को दे दिया, एक हिस्सा एक ग्रुप को दे दिया, एक हिस्सा एक ग्रुप को दे दिया, और बोला इसको स्टडी कर लें, इसमें से सवालात बना लें, और हम आपको एक आदमी प्रेजेंटेशन के लिए भेजना है यहां जो अपने इस हिस्से की प्रेजेंटेशन देगा, सही है। टीचर बैठ गया है, जब उसका टाइम खत्म हो गया उसने बोला आजी आपने जो टॉपिक पढ़ा उसकी प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आया उसने 5 मिनट में 7 मिनट में जो उसने टॉपिक पढ़ा था वो सारा उसने डिफाइन कर दिया। इसी तरह दूसरा ग्रुप, इसी तरीके से तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पढ़ा वो पूरा जो चैप्टर था एक क्लास में या दो में या तीन में डिस्कस हो गया, सही है। फिर उनको कहा सवालात निकाल के शेयर कर लें एक दूसरे से, तो एक बच्चे ने निकाले अपने ग्रुप में तो 5 सवाल थे, लेकिन बाकी लोगों ने 5-5 निकाले तो उसके पास टोटल कितने आ गए, 20। 5 पे उसने काम किया था, बाकी 5-5 उसके ग्रुप ने काम किया था। तो दो इसको आप तरह से बस ग्रुप को चलाते हैं क्लास में, एक कॉमन टॉपिक और एक टॉपिक डिवीजन, ये दोनों लिखे हुए होंगे मेरा ख्याल, देखिए आप टॉपिक डिवीजन और कॉमन टॉपिक। इसमें टीचर का रोल जो है वो एज ए टीचर नहीं है, एज ए फैसिलिटेटर है, क्लास रनर है, वो क्लास चला रहा होता है, ठीक है, इज इट क्लियर। आप कभी करते हैं ऐसा, कभी किया आपने ऐसा, करें आप इसको, सही है। हम अपने पास ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ महीने में एक बार प्रेजेंटेशन का दिन होता है, उसके 20 नंबर हम रखते हैं हर बच्चे के, तो हम क्या करते हैं एक दिन पहले ना जो चैप्टर पढ़ाया गया उस चैप्टर के पीसीस कर लेते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे पीसीस करके एक पीस एक को दे देते हैं, एक दूसरे को, एक तीसरे को बांट देते हैं, और फिर जब प्रेजेंटेशन का दिन होता है तो उस दिन टीचर बैठ जाते हैं और कहते हैं आप आइए अपना टॉपिक बयान करें, तो वो आके वो स्लाइड भी बनाते हैं, बाज बच्चे शीट बना के लेकर आते हैं, वो आके अपना टॉपिक पेश करते हैं, तो 50 मिनट के उस पीरियड में वो पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, यानी बच्चा काम करता है एक पर, लेकिन जब वो सुनता है दूसरे की प्रेजेंटेशन तो जितना काम उसने किया था उस हिस्से में दूसरे हिस्से का काम वो सुन रहा होता है, तो 50 मिनट के पीरियड में वो पूरा चैप्टर रिपीट हो जाता है। ये बड़ा अच्छा मेथड है बज, जिससे आप चैप्टर रिपीट करा सकते हैं। आपने जैसे एक चैप्टर पढ़ा दिया, आप चाह रहे हैं कि मैं इसका टेस्ट लूं अब,
तो टेस्ट लेने के लिए तैयारी कैसे कराएंगे आप? एक तो आसान तरीका ये सवाल है घर से याद करके लाना, अगर याद करके नहीं आया तो डंडा। एक तरीका तो ये कॉमन है। नहीं, आप कह रहे मैं तैयारी कर रहा हूं, तो कैसे कराएं? आप बस ये काम कीजिए कि उस पूरे चैप्टर को पीसीज में तोड़ दीजिए, तीन तीन के ग्रुप बना दीजिए, उनको टॉपिक दे दीजिए और कहिए तैयारी कीजिए, कल आपकी प्रेजेंटेशन है। और आप बैठ जाइए, हर एक आए अपनी बात को बयान करे, डिस्कस करे, प्रेजेंट करे, फिर बच्चों से बोले सवाल पूछे इनसे, बच्चे सवाल पूछे उससे, फिर वो बैठ जाए, फिर दूसरे ग्रुप का नुमाइंदा है, फिर तीसरे ग्रुप का नुमाइंदा है। इस तरह पूरी क्लास के नुमाइंदे जब यहाँ आएंगे तो 50 मिनट में 40 मिनट में वो पूरा चैप्टर जो है वो उसके हर टॉपिक से बच्चे सारे गुजर जाएंगे। उसके दूसरे दिन आप लें टेस्ट, आप देखेंगे टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए कि बच्चा एक पूरे प्रोसेस से गुजरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया जनाब आपका बस ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप लोग सब बोर तो नहीं हो रहे?